गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के। किए हो, खैरियत से हो, खुश रहे हो। अस्सलाम वालेकुम आशिम भाई। अच्छा हाल आशिम भाई? बिल्कुल ठीक। जिंदगी की है आशिम भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खुश है, जबरदस्त बात है। जिंदगी में माइक सही ना है सानियों के लगे तो नहीं, हां सही है, माइक गलत लगा है। हां सही है, इन्हें जिंदगी के बेहतर करना है। या जिंदगी बेहतर थी सके थी थी भी थी भी नहीं सही थी भी नहीं। अच्छा जी, हुआ अजो की जगह जिंदगी स्पेसिफिकली जगह स्टार्ट थी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना डार्क बादल, ब्लैक ककर जिके नजर अची रहा हुआ रस्ते में, कोई मुख्य रस्ते में बारिश भी मिली, आसमान में मिली शराह की बारिश थोड़ी थोड़ी मिली। एडो खूबसूरत मौसम, एक शे जगह कराची में काफ़ी घट नज़र इंदी है। दैट इज़ जैसे तक एक कड़े रोड से हों जैं ती नज़र परे ती वी है, उन में तांके परे परे तांके ये नज़र इंदो है तो बिल्डिंग्स जी हैं उन्होंने उस है। बिल्डिंग के पोया एक चादर है जी बादल की है जी वसल है। एडो खूबसूरत मंजर यो लगन है, ये लगन है कराची में नॉर्दन एरिया जी कुंड में तुम बीठा आयो अक्सर उन जगह जिसे घनी ग्रीनरी होंगी है, जिसे घनी बरसातू थी उन जगह अक्सर यो मौसम दिसण ला इंदो है। पर जैसे सुबह सुबह कराची में अड़ो मौसम दिसना आयो तो जी दिल खुश थी वी है। तो ठीक आ ही वहा उस जी बेन जगह बेन मुल्क की कुंडन से वणन से पवी है, वणन असि कराची में बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग से पई रही है। पोया जे ब्लैक बादल उ नजर अची रहा है। पर जी इतने रस्ते में छो तो थोड़ी सी मुख्य भी माँ भी थोड़ी सी बरसात जो जो मज़ो है वो थोड़ो सो इंजॉय कर रस्ते में, किथे बरसात हुई, किथे किथे सिज हो, किथे तांके छाव बादलन जी नज़र आई पे। सो यो मौसम जो जो ही हेर फेर हुई है तमाम रस्ते में मुख्य नज़र आई है, एडो खूबसूरत लगी रहे हो। मां सोचे छो ना पने प्रोग्राम के भी अज उन ही तरीके से खूबसूरत कजे, उन ही तरीके से प्यारो प्यारो कजे, जे तरीके जो मौसम अज मुखे दिसण ला मिलियो आ है। ते करे अज प्रोग्राम में असके तमाम उबे प्यारी प्यारी गालियों करनी है, तमाम उनन प्यारन प्यारन असानी खवतीन चला प्यारन प्यारन से निमाण चला जेके हमेशा हमेशा फैशन फ्रीक हुंदा हैं या हमेशा उहे पर्सनैलिटी फ्रीक भी एक नयो वर्ड मुखे लगे तो असके ऐजाद करण खपे, बिकॉज दे आर पीपल जेके पंजी पर्सनैलिटी के पंजे पान के पंजे लुक के पंजे गेटअप के बिल्डअप करण दिला दे गो लाइक फार फार अवे। ये मुखे लगे तो कुछ कुछ मानू एड़ा हुंदा हैं उनन जे ला भी कुछ मखसूस न एक क्रिटिकल वर्ड्स जन खपन, एक उहे स्लोगन हुजन खपन जेके असे बेन मानन जे ला हैं। जे करे को मानू आ है जेको मेकअप पसंद आडो तो करे, को मानू आ है जेको पंजा पंजे वार्डरोब हमेशा आडो सुठो तो रहे, को मानू एड़ो आ है जेको तमाम इन पैकेज के पान सगत तो हलाए। सो मुखे ये लगे तो तो जैसे ये जी नंढी शूं जी तुम पर्सनैलिटी बिल्डअप कन थी, अगर इनके थोड़ो सो ही सही पर पंजी पर्सनैलिटी में अगर एड ऑन करे छजे तो तारी पर्सनैलिटी ढी खूबसूरत खूबसूरत का खूबसूरत तरीन थी वी है। ऑन द अदर हैंड असा उ मूँ जो बिल्कुल इन ध्यान न दींदा, समटाइम्स दे आर गॉड गिफ्टिड विथ सच थिंग्स जी यू नो तमेशा ये बुध हों नो मेकअप लुक जो ट्रेंड है जो असा अची वो है, दैन वी हैव यू नो समथिंग जी जो वो लुक जो असने एफर्टलेस लुक लुक जैसे वो है तो तुम ता कैजुअल पंजे गेटअप में आयो तो कैजुअली मूव कर रहा हो, बट यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग टू गुड, यू आर लुकिंग लाइक समवन जो इलाही मेहनत का तैयार है। सो अस कुछ मूँ अड़ा हूँ जिनके एफर्ट करनी पवी है टू लुक ब्यूटिफुल, बट ऑन द अदर हैंड कुछ मूँ अड़ा हूँ जो एफर्टलेसली ब्यूटिफुल हूँ। सो बिन्नी जी मुख्य लगे तो जो एफर्टलेसली ब्यूटिफुल भी हूँ उनके भी किथे न किथे कें न कें जगह से पंजी पर्सनैलिटी में निखार आन जिला कुछ न कुछ जरूर करणो पवंदो हूँ, बट जो उ मूँ जो घनी सारी एफर्ट करें पान के एक ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी पंजे पान में वह पैदा कंदा उनके लिए अज थोड़ी थोड़ी शूं अज पे प्रोग्राम में असा शामिल करण वाला हूँ। अच्छा इन सभी सा गरोगर पर्सनैलिटी तो असा जरूर गलाइंदी, असा गेटअप्स से, असा मेकअप्स से, असा लुक्स से, असा एफर्ट्स से जरूर गलाइंदी, पर एक एफर्ट जो हमेशा सब अपने प्रोग्राम में कहना हूँ आशिम भाई की आवाज़ में वह भी जरूर से शामिल करना सी, बिकॉज तहजी पर्सनैलिटी के बिल्डअप करण के लिए उनके खूबसूरत ठाण के लिए उनके ब्यूटिफुल ठाण के लिए वो मूड होजन भी ढो जरूरी है। हाशिम भाई वो मूड ठाण वा तुम आयो जल्दी से कुछ शामिल किया तमाम जी असि प्यार प्यार स्पेस
किली खवातीन ॾिसी रहियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ अॼु सॼो सुठो प्रोग्राम करे सघो। जी हाशिम भाई, साकू यार मनावड़ा है, साकू ढोल मनावड़ा है, बावी सिर दी बाजी लग जावे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा, इन मनाइण ऐं मञण वारे ही जेको क्राइटेरिया आहे असांजो, हिकु मञाइण वारो हिकु मञण वारो, इनखे अगरि असां एतिरो ई सीरियस वठी छॾियूं हाशिम भाई, मसला ई ख़तमु थी वञनि न। असां इनखे अगरि एतिरो सीरियस वठी छॾियूं, को झगड़ो थिए त बसि माण्हू सोचे वठे त जी कंहिं बि तरीक़े सां मञाइणो आहे, चाहे लाइफ टाइम जी का कमिटमेंट छो न ॾियणी हुजे, पर मञाइणो आहे त ज़िंदगी में झगड़े ख़तमु थी वञनि, ज़िंदगी में कुर्ब केॾो अची वञे। असां ख़बर नाहे छो न ईअं था सोचूं, असांजे शाइरनि सां केतिरो ॿुधायो आहे इन्हनि शयुनि जे बारे में, असां ॿुधो ई नथा। उहा ई ॻाल्हि आहे त हीअ उहो एरा हली रहियो आहे जंहिं एरा में माण्हू ॿुधनि घटि था, ॻाल्हाइनि घणो था। असां उन एरा में आहियूं,
पहरी जो एरा हो उनमें मानो बुधना घणो हुआ गलहिंदा घट हुआ पर हाने सा गलहु गलहु तो इलाही घट घणो था बट उन गलहन के सा समझू भी न था छो तो सा बुधू न था ते करे सा समझू भी न था यहां एक हकीकत है इन हकीकत से करे सा के हलनो है शायद चई चई किथे सा बेहतरी दिसी वठू पाण में भी अई बेन में भी वक्त ब्रेक जो नाज़रीन ता से मुलाकात की था नन्ही कमर्शियल ब्रेक का पर जी वेलकम बैक ऐं प्रोग्राम असांजे खे स्पॉन्सर कयो आहे सरसब्स फातिमा फर्टिलाइज़र टैंग गार्डराइज सीड सनलाइट ऐं बरकत फर्टिलाइज़र महिमान सां गॾु आहिनि महिमान जो तारुफ़ प्रोग्राम में रखूं था हिन तरफ़ जी असां जेका पर्सनैलिटी सभिनी खां पहिरीं तशरीफ़ फरमा आहिनि जनाब जी महारत आहे माण्हुनि खे ख़ूबसूरत ठाहिण में ॾाढी महारत हासिलु आहे माण्हुनि खे ख़ूबसूरत ठाहींदियूं रहियूं आहिनि ठाहे रहियूं आहिनि प्यारो ठाहे रहियूं आहिनि चाहे पोइ उन में हेयर इन्वॉल्व थिए उन में फेस इन्वॉल्व थिए हीअ हिकु ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंजर जो पर्सनैलिटी है वह असत तशरीफ़ फरमा है सगत जी अरीश खान साहब हैं जो तशरीफ़ फरमा पा ब्यूटिशन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कि ठीक है खुश आयो जी अल्लाह का शुक्र जिंदगी कि अरीश जिंदगी कि है जिंदगी खुद ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा मैं तो नहीं करने वाली जिंदगी कि है महारत हासिल रखन थी गड़ो गड़ एक प्लस पॉइंट यो है मेहंदी आर्ट ढो सुी तरीके से जान थी पा भी सीखी रही बेन के भी सिखाए रही उनमें ढी कमांड उन हासिल है सगत की सामिया मेहमान साहब जी तशरीफ़ फरमा पा की मेहंदी एक्सपर्ट है ब्यूटिशन असलम सामिया ठीक है खुश है अल्लाह का शुक्र है जिंदगी की है सामिया दिल चवे बुधन आवाज़ सर्च कर मूड में वो गानो जरूर मिलो एक जबरदस्त कामयाब सिंगर हाँ सीनियर सिंगर मैं चवान तशरीफ़ फरमा यासिर समूह जी वेठा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अल्लाह पाक जो एहसान आ दुआ आ तवा खुश आयो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक ता बुधायो तबीयत ठीक है अल्लाह जो एहसान आ शुक्र आ रब पाक जिंदगी की है यासिर जिंदगी तमाम खूबसूरत आ है तमाम कीमती है बिल्कुल अजकल जिंदगी ढी सस्ती थी खबर ना सस्ती है ना सस्ती कन था जी सस्ती कन था बिल्कुल बाकी जिंदगी तो एक दफो आ बेशक एक दफो इंसान आया एक दफो ही वो हलो बीह मोटी ना जिंदगी जो ख्याल करना खपे जिंदगी वही कीमती शे बिल्कुल यही है असर ढो सस्तो वी छो जिंदगी के ऑल्दो अच्छा बी जी असट शूं जैसे खबर होंगी तो लाइफ में एक दफा ही वूँ था एक दफा ही सुी वी सूँ था जैमें काफ़ी माँ जो गाड़ियों भी शुमार थियन थी घर अस पाकिस्तान में जो कल्चर है ऑब्वियसली अस जै तरीके जो कल्चर अस है अस एक घर खूबसूरत ठाए वन या कामयाबी होंगी तो उनको अस एडो ख्याल रखा खबर ना पैं जिंदगी के खूबसूरत ठाण खबर ना पैं जिंदगी जो ख्याल रखने से छो विसरी वो जरूरी है वो इन ख्याल कर विसरी जो लापरवाह इंसान हों जो लापरवाही होी जिंदगी हाँ। जो कदर ही न हो हाँ। चवे ये तो बस मतलब मरा खुदकुशी क्या जिंदगी आजाब बणी वी जिंदगी इंसान पानी आजाब पा बनाई पान बढ़ाई अच्छा तो यासिर से गलहन से गदो गदी लगे पे तो एक प्रॉपर सिंगर है एक रचल ही मचल सिंगर है जो जवाब नहीं रहा है वो अंदाज यासिर के अंदर ना वो मुझे लगे तो वसी वो एक सिंगर जो अंदाज वो वेठल है अच्छा जल्दी से इन तरफ अचूँ था तरफ बटे गाल करणी तमाम उन खातन के लिए प्यारी प्यारी खुवान असी रही उन्होंने खोड़ सारू शूँ जो पहले प्रोग्राम में शामिल करणी हैं सभी का पहले अरीश खान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जरा मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप एज ए ब्यूटिशियन माशाल्लाह से सर्व करिए काफ़ी अरसे से सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो वेदर है उसके लिए कौन सी स्किन है सबसे बड़ा मसला हमारा स्किन होता है कौन सी स्किन है जो सबसे बेस्ट आपको इस वेदर में मिलती है देखें इसमें तो नॉर्मल स्किन ही नॉर्मल स्किन तो मुझे लगता है हर वेदर के लिए अच्छी होती है हम रहती है बिल्कुल जी हम इस वेदर में हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत हम ड्राई स्किन पे चले जाएंगे तो फिर हमें सर्दियों में मसला होना शुरू हो जाता है ऑयली स्किन तो सबसे ज्यादा इसमें होती है
इसलिए नॉर्मल स्किन ही बेस्ट होती है। नॉर्मल स्किन बेस्ट होती है। अच्छा, अभी जब हम नॉर्मल स्किन की बात करते हैं तो पता कैसे चलता है इंसान को, क्योंकि हमारे पास एक कल्चर है कि हम बार बार जाके टेस्ट तो करते नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम ये समझ सकें कि नॉर्मल स्किन हम एक्चुअली कहते किसको हैं, कि क्योंकि हमारे पास जो लोग होते हैं वो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पर सिर्फ ऑयल, जैसे मेरा फेस है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस बहुत ऑयली है, मेरे फेस पर बहुत ऑयल आता है। कुछ लोग होते हैं जिनका फेस ऐसा होता है जिन पर कभी आपने ऑयल देखा ही नहीं है, लेकिन आप जब नॉर्मल स्किन की बात करते हैं तो नॉर्मल स्किन कहाँ आपको पता चलता है, कैसे आपको अपना स्किन टाइप पता चलता है, तरीका क्या होता है पता करने का? स्किन का पता करने का तरीका सिंपल यही होता है कि ऑयली स्किन जो होती है उसमें पॉट्स वो हो जाते हैं, पॉट्स होने लगते हैं, दाने वगैरह होने लगते हैं, और बार बार ऑयल वगैरह आता है, मास्क वगैरह लगाना पड़ता है। और नॉर्मल स्किन में जो है ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो ये आप ये एक बहुत एक वाकई आपने सही कहा कि एक बड़ी अच्छी टिप है कि जिनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं तो उनको उनको ये समझना चाहिए कि उनकी स्किन ऑयली है, और उसी तरह का प्रोडक्ट हमारे पास ये भी मसला है, हम हमारी स्किन टाइप कुछ और होता है, हम प्रोडक्ट किसी और सा यूज़ करते हैं, बिल्कुल, चाहे उसमें फेस वॉशेज हों, चाहे उसमें मास्क हों, चाहे उसमें क्रीम हो, इवन जब आप फेशियल्स की बात करते हैं तब भी हमें हमारे पास एक ट्रेंड है कि हमें ये पता है कि अच्छा ये वाइटनिंग फेशियल है तो ये हाइड्रा फेशियल है। जी जी हाँ जी, लेकिन स्किन टाइप के लिए क्या फेशियल्स होते हैं अलग से, अगर किसी की ऑयली स्किन है? ऑयली स्किन का अलग फेशियल होता है, एक्नी का अलग होता है, और ड्राई स्किन का अलग होता है, सबके अलग अलग फेशियल होते हैं। लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है हम अगर सलोन्स में जाते हैं तो नॉर्मली हमें ये नॉलेज मिलती नहीं है। जी, ऐसा क्यों है, हमने सलोन्स में ये नॉलेज क्यों नहीं रखी हुई कि अगर आम बंदा जा रहा है जिसको अपने स्किन टाइप का नहीं पता और उसको कोई भी इवेंट अटेंड करना है, उसको फेशियल कराना है, उसको कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, तो हम नॉर्मली पहले से हमें कभी भी नहीं बताया जाता कि अच्छा ऑयली स्किन का हमारे पास ये है तो आप ये ले लें, हमें सिर्फ ये बताया जाता कि जी हम आपको गोरा कर देंगे बस, और नॉर्मल फेशियल कर दिया जाता है ये होता है, और बस ज्यादातर फोकस जितनी भी आती हैं क्लाइंट्स वगैरह उनका वाइटनिंग पर ही होता है कि हमें बस कॉम्प्लेक्शन अपना चाहिए, बाकी उनको किस टाइप की स्किन है क्या है कुछ भी उस पर इतना फोकस नहीं होता है। लेकिन ये ब्यूटिशियन का काम होता है कि वो क्लाइंट को बताएं कि आपकी स्किन किस टाइप की है, किस टाइप की है, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है नॉलेज ब्यूटिशियन को होती है, आम हर आम बंदे को नॉलेज नहीं होती। अच्छा, जब जरा मैं मेहंदी पे आती हूँ तो जरा उस पर भी काफी स्किन इश्यूज होते हैं, काफी लोगों को एलर्जी भी हो जाती है मेहंदी से काफी, और अब तो हमारे पास इतनी वेराइटी आएगी ये मेहंदी में कि आप लगाएं 5 मिनट में कलर ब्लैक हो जाता है, और वो उतरते हुए भी इतनी बुरी सी लग रही होती है, झड़ी होती है, तो क्या ये मेहंदी का स्किन से क्या ताल्लुक है, और क्या स्किन देख के मेहंदी लगाई जाती है? बिल्कुल, स्किन देख के लगाई जाती है, जो सेंसिटिव स्किन होती है उसमें ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं होता, मतलब ज़्यादा केमिकल वाली मेहंदी यूज़ नहीं होती, और जब भी एक चीज़ है, जब आजकल मेहंदी में बहुत ही ज़्यादा केमिकल आ रहा है तो जब भी मेहंदी लगवाएं उससे पहले वैक्स ना करें, ब्लीच ना करवाएं, क्योंकि उससे डबल रिएक्ट करता है स्किन के ऊपर, और उससे फिर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर वो उल्टा हमें ब्लेम करते हैं कि आप मेहंदी गलत लगाई थी, इसी का कसूर है, पर इसने मेहंदी खराब है मेहंदी खराब है, तो ये नहीं समझ आ रहा कि आजकल मेहंदी में ऑलरेडी इतना केमिकल है तो आप लोग की भी लापरवाही होती है कि ब्लीच ना करें। हम स्पेशली ये चीज़ बता देते हैं कि मेहंदी जब भी लगवाएं उससे एक हफ्ता पहले करवा लें, या ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन पहले ब्लीच करवा लें, वैक्स करवा लें, ताकि स्किन पे आपकी रिएक्ट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास वाकई ये नॉलेज नहीं है, हम तो, और क्योंकि हम लोग हमारे पास वो ट्रेंड भी नहीं है ना कि हम लोग लोगों को अवेयर कर सके, लोगों को नॉलेज दे सके, और ये बहुत छोटी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी अहम सी बात है, और मैं चाहती हूँ कि हर आम बंदे तक ये बात पहुँचे, क्योंकि हमारा वो जो आम जो हम बहुत ही हाई फाई किसी बड़े सैलून में चले जाएं, किसी स्पा में चले जाएं, तो वो तो फिर भी क्योंकि इतने आप लोग पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो फिर भी थोड़ा बहुत ख्याल करते कर लेते हैं कि कोई रिएक्शन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कल को हमारे बैंक का नाम ना खराब हो जाए। लेकिन जब क्योंकि हमारे पास सैलून आप देखिए हर घर में आपको, हर दूसरे घर जगह है, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे पास फिर माशाल्लाह यूट्यूब एक बहुत बड़ा टीचर है हमारे पास, तो हर बंदा हर मसले का हल, बिल्कुल हर मसले का हल हम वहां से निकाल लेते हैं कि अच्छा मेहंदी का कलर डार्क करना है। जरा इस पर मुझे सवाल याद आया तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो डार्क करने वाले टोटके होते हैं मेहंदी के, ये क्या होती है, बाकी असर करते हैं कि पता नहीं कोई चीनी का पानी मिला के डाल दो, कोई विक्स लगा लेते हैं, कोई ऑयल लगा लेते हैं, ये सब चीजें पहले होती थी लेकिन कुछ भी नहीं होता है, सब तो केमिकल ऐसे आते हैं मेहंदी में कि 5 मिनट आप लगाएं, ब्राइड को बोलते हैं वॉश कर लें घर, ऐसे ही चले जाएं वॉश करके, लेकिन फिर भी उसमें भी ऐसे पागल लोग होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं हमें इससे भी ज्यादा डार्क चाहिए, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि लौंग का धुआं लें, लौंग का धुआं, हाँ, वो कैसे लेते हैं, वो तवे के ऊपर लौंग डालकर और उसके मतलब धुआं जो होता है ना वो हाथ को सेक ले थोड़ा सा, इस तरीके से,
तो उससे ये कि कलर वो होता है निकलता है, डार्क होता है, कलर डार्क होता है। जबरदस्त। लेकिन केमिकल इतना होता है ना कि आप कोई रिस्क लेने वाली वो गुंजाइश नहीं होती है कि हम अगर ऑलरेडी उस केमिकल के ऊपर तपिश लेंगे कुछ इस तरह का करेंगे तो वो डबल रिएक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लोगों के तो मैंने अल्लाह खैर करे लेकिन मैंने काफी लोगों का, क्योंकि हमारा केमिकल इतना यूज हो रहा है तो काफी लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जहां जहां उनकी मेहंदी का डिजाइन होता है वही वही स्पेसिफिकली वो एरिया बर्न हुआ। जो रेड कोन होते हैं ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो बिल्कुल रेड कोन होते हैं, रेड कोन खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक है। और जो ब्लैक मेहंदी भी यूज करते हैं तो उसका भी यही है कि अर्जेंट आप बनवाओ और अर्जेंट लगवाओ। अच्छा हाँ, पुरानी कोन यूज नहीं करो इसमें, ठीक, क्योंकि वो फॉरन स्किन जैसे डिजाइन बनी हुई होगी आपकी स्किन पे वैसे वैसे ही रैशेस वगैरह कुछ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये तो बड़ी एक पूरा एक मुझे लगता है इसके लिए मास्टर्स होना चाहिए आपको कोई भी मेहंदी लगवाने के लिए। हम तो बड़ा इजी लेते हैं लेकिन एक्चुअली ये बड़ा रिस्की। और आजकल तो क्योंकि हम बच्चों बच्चों को देखते हैं, 5 साल की बच्ची, सबको क्रेज है, बिल्कुल सबको क्रेज है, तो ये बड़ा एक रिस्क वाला फैक्टर है जिसको हमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। अच्छा, जहाँ ट्रीटमेंट्स की सैलॉन्स की ट्रीटमेंट की बात आती है, मैं जरा ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या सही एज होती है, क्योंकि हमारे पास आजकल जो टीनएजर्स हैं वो भी बड़ा बड़ी इन है। आप देखेंगे जो जो एज होती है 30-40+ में नॉर्मली हमें नजर आता था कि उस एज में लोग ज्यादा जा रहे होते थे और ज्यादा ब्यूटिशियन से कांटेक्ट कर रहे होते थे। आजकल टीनएजर्स भी हमें बड़ा नजर आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं। तो क्या सही एज क्या है एक सैलॉन का, कोई प्रॉपर जिसमें फेशियल्स आ जाते हैं, क्लींजिंग आ जाती है और ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, एक एज क्या है? 18-19 बेसिकली जो इसकी एज होती है ना वो 20 से समझें, 18 से लेके 20 तक के में स्टार्ट होती है। क्योंकि इससे पहले बोलते हैं कि हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, ब्लीच लगाना भी उसके ऊपर जो है ना एक रिस्क लेने वाली बात होती है। लेकिन अब बच्चे भी आपको पता है यूट्यूब पर हर चीज देख देख कर इतने ज्यादा वो हो गए कि वो बस बोलते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना बच्चे अपनी मतलब अम्मी को सबको छोड़ के ना खुद अप्लाई करते होते हैं हर चीज। हाँ। वो इतने ज्यादा और फिर वो एज से बड़े दिखने लग जाते, लेकिन वो चीज ना भले थोड़े टाइम में दे लेकिन वो नुकसान दे जाती है। इसलिए जो इसकी एक परफेक्ट एज होती है ना तो 18 से 20 के दरमियान होती है कि उसमें हमें लेना चाहिए। सही और ये बात हम समझते नहीं है, हम 13-14 साल की बच्चों को आप यहाँ तक कि इतनी छोटी एज में थ्रेड वगैरह भी नहीं हमारे, लेकिन आपके लोग हैं वो छोटी छोटी एज में थ्रेड वगैरह यूज करवा हर चीज। अब तो बच्चियों के माशाल्लाह स्कूल में आप देखें पूरी पूरी सब चीजें बस क्लासे चलती होती है ब्यूटिशियन की, जहाँ फ्री पीरियड मिला वहाँ पर आईब्रोज बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब चीजें स्टार्ट। मैं कभी सोचती हूँ मेरे बचपन में क्यों ना था, हमें तो इजाजत कोई आप पता है हमें इजाजत जो मिली थी वो जाके कोई फर्स्ट इंटर में भी मिली थी, वो भी इस तरह मिली थी कि मेरी जो बहन थी वो इंटर कर चुकी थी और मैट्रिक कर चुकी थी सॉरी और मैं मैट्रिक में थी, तो वो भी इजाज़त मुझे ऐसे मिली थी कि उसने कराया तो हम दोनों बड़ा साथ साथ चलते फिरते थे, तो मुझे एक साल पहले इजाज़त मिल गई थी। अदरवाइज टिल द टाइम हम स्कूलिंग में थे हमें इजाज़त नहीं थी कभी भी कुछ करने की। और आजकल की बच्चियां तो आप देखिए 5 या 6 स्टैंडर्ड में होती हैं और उनके फैशन शुरू हो जाते हैं। कल मेरी हस्बैंड की भांजी वो मेरे पास ही मुझे कहती है मेरे नेल्स फाइल करते हैं एंड शी इज ओनली 12। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ 12 साल की बच्ची, मुझे कह रही है मेरे नेल्स फाइल कर देना प्लीज। अच्छा उसकी अम्मा उसके घर बैठी हुई थी, वो हमारे पास छुट्टियों पे आई हुई है, आजकल बच्चों की छुट्टियां तो मुझे कहती है आप ना मेरी जैसे आपके नेल्स है ना वैसे फाइल कर दे, मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ। मैं कहा बेटा तुम्हारी उम्र में मेरे ऐसे नेल्स नहीं है। अब तो ये बच्चों पे शौक भी बड़ा आ गया, बहुत आ गया है। आजकल की अम्माएं भी तो ऐसी हैं कि बस नहीं हमारे बच्चे अच्छे दिखने चाहिए, उनको छोटे छोटे बच्चों को लिपस्टिक लगा देती है, मेकअप कर देती है, तो फिर वो बच्चों में फिर और ज्यादा बढ़ता है कि नहीं जब हमारी अम्मा की तरफ से इजाजत है तो फिर हम खुद भी इतना बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस लेकिन ये स्कूल लाइफ जो एक ऐसी लाइफ है ना इसमें बच्चियों का बहुत ज्यादा रुझान इस तरफ चले गए, क्योंकि पहले स्कूल में देखें मोबाइल भी अलाउ नहीं था वो नहीं था, अब स्कूल में देखें आप कॉलेज तो दूर की बात है, अब स्कूल में बच्चे ले जाने लगे मोबाइल वगैरह, वहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगी, हर फैशन करेंगे बच्चे घर में परमिशन हो ना हो। हाँ। वो स्कूल से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, वो फैशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। थोड़ो सो बिकॉज फैशन असांजी खवातीन जे ला त मूंखे लॻे थोरनि जो ज़ेवर आहे उहो थी नथो सघे, हुन खां बिना खवातीन ज़िंदा नथियूं रही सघनि मूंखे ईअं थो लॻे। पर हिते मर्दनि जो छा हाल आहे थोरो सो मां तव्हांजी नज़र सां बि ॾिसणु चाहींदमि, बिकॉज तव्हां छो त हिकु पब्लिक फिगर आहियो माशाल्लाह सां, एतिरे अरसे खां कमु करे रहिया आहियो, फैशन सां केतिरी मुहबत रही आहे? फैशन सां घटि रहियो आहे, घट रही है मुझे असल हेयर स्टाइल तो ताड़ डॉट सो बस फैशनेबल डाय बेटा है फैशन हेयर को हेयर स्टाइल है मुझे को पान अस आर्टिस्ट टाइम शुरू खा ता हम के डठो हो तो मुजा वार वडा है शुरू खा बिल्कुल बचपन खा वडी जी पर मना यो है त ही स्टाइल ना है
तरीको आसा जो तरीको बाकी नरम थाणिया हां सुनण पई या बाकी ताने फैशन सा घट लगन घट लगंदी है पर अजकल जो ता दिसो जे असना सिंगर सचिन पया या असना एक्टर सचिन पया मां अक्सर मानुन के डठो सिंगर भिरवा ठारिना है आइब्रो सेट कराइना है ने कोई क्लीनिंग कराइंदो आ कोई छा कराइंदो आ मां ही न कनो है मां पां छाए तो फ्रेश थी करे अगे पेश थिनो है बस सही असा ये ही है छोड़ो कपड़ा पाइंदा है बस कपड़ा सुठा हो जण खपन बस कपड़ा सुठा हो जण खपन कपड़ा कपड़ा कलर वाला जोड़ो जण फैशन अंदर हो जण खपे ना बाहर फैशन केड़ी कम है बाहर केड़ी कम है बिल्कुल यही है या भी वाकई सच गाल है या भी इन गाल की मैं कोट कर जण या वाकई हकीकत है बाहरा ता केतरो भी सजी सवरी सामो अची वणो पर जे सही ता जो अंदर फैशनेबल ना है ता वो फील ना था करे सको और जब आपका अंदर से आप फील कर रहे हैं कि आप फैशनेबल है फिर चाहे आपने बड़ा फिर आप सिंपल भी बन जाए सिंपल भी कुछ पहन लें लेकिन आप अलग ही नजर आएंगे अलग नजर डिसेंट नजर आएंगे बिल्कुल ये जो सोच का गेम है ना ये बहुत स्ट्रांग है हम पता नहीं क्यों हमने अपनी सोच को इतना महदूद कर दिया है कि हम एक एक दायरे में ही सोचते हैं उस दायरे से बाहर नहीं सोचते अंग्रेज ने बड़ा अच्छे एक कुछ लफ्ज ऐजाद किए थे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हम उस बॉक्स से बाहर जा नहीं पाते या जाना नहीं चाहते ये एक अलग बहस है लेकिन उससे जब हम बाहर जाएंगे तभी हम दुनिया को समझ पाएंगे और देख पाएंगे उस नजर से जो नजर एक्चुअली दुनिया वालों के लिए बड़ी फायदेमंद है। अच्छा जी यहाँ क्योंकि हम फैशन की बातें कर रहे हैं हम स्टाइल की बातें कर रहे हैं आजकल क्या कुछ ट्रेंड में चल रहा है कौन से कलर्स हैं जो इन है। अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ी एक मर्ज सी कॉन्वर्जेशन होने वाली है क्योंकि किथे असांखे इहो लॻंदो आहे त असांजा डार्क कलर्स इन आहिनि किथे माण्हू कुझु ईअं चवंदा आहिनि त जी गर्मी आहे डार्क कलर्स केरु पाईंदो सो इन इन ते बि असां बहस करण वारा आहियूं पर जे टाइम थियो आहे ब्रेक जो नाज़रीन तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ जी वेलकम बैक ये सुबह जो आवाज़ की स्पॉन्सर किया हुआ है सरसेप्स फातिमा फर्टिलाइज़र टैंग गार्ड्राइस सीड सनलाइट आई बरकत फर्टिलाइज़र। अच्छा जी इन हिस्से में असा नॉर्मली वेंदा आयूँ हाशिम भाई की तरफ पर छो तो अज असा वट यासिर समो आहिन तो मैं चाहें थी तो उन्होंने तरफ वन खे तेजे तमाम फैन्स आज यासिर इन वक्त तीसी रहा है वो चाहन था तो तीन आवाज़ ढी देर का इंतजार कर रहा है आवाज़ शामिल अस क्यों चाहन था बुधाई दो यार खूबसूरत गीत आए तो थोड़ी लेट थी वही पर अभी मेरे जे प्रोग्राम में पहुंचण जी इजाजत मिली हुई इजाजत हमेशा का हो यासिर ता लेट ता नी तरफा हुई तो वाह तुसो एकड़ी गाल तो असा जा सीनियर ता भी आयो मैं सिंगिंग ता सीनियर थी ना सिंगिंग में हां पाण के सिंगर ही समझो ता एक्टिंग में ना आया हुआ ना जबरदस्त 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 अजो के मुआशरे के दिसी यासिर डिसाइड कियो एडो गानो गायण जिला तो हां बिल्कुल दिसो ना आज कल एडो जमानो थियो आ जो जेका लेट थिंगे ना वो बेहतर होंदी वो बेहतर होंदी देरी में बेहतरी आ ये वाकई सही गाला करे सब्र जो को भली गाला लेट थी पर बेहतर थी पर बेहतर थी सही ऐ सही अपडेट थे हां ऐ अपडेट थी होया अपडेट जो जमानो दिसो ता आज कल हफ्ते में अपडेट थी घुरे बिल्कुल हर शे अपडेट थी घुरे बिल्कुल अच्छा दिलन के वाकई में ऐसा दिलन के कदे अपडेट करण सिखरा सी दिलन के कदे भी न सको आजा होती पे असा उते ही रुके लई असा उते ही बस उते मुझे पे आई हूं उन जगह ते बैठा आई हूं असा पजी पाण के कदे अपडेट करना सी पजी सोचन के पजी दिलन के कदे असा अपडेट करे असा अग्या वधना सी जिंदगी के बे तरीके सा दिसना सी उन तरीके सा जे तरीके सा दुनिया दिसी रही है बिल्कुल असा उन पुराने जमाने वांगुरी आई हूं आई पुराने जमाने वांगुरी जिंदगी के दिसूं था असा ये दिल अपडेट थण को बेहतर वायरस थी हुई है दिल क्लीनिंग ढी जरूरी है सो वो क्लीनअप जो है उन गान के थ्रू थो रो इनशाला दिलू साफ़ थी रही इनशाला असा उम्मीद भी क्यों था काफ़ी हद तई मू मो सोचू तब्दील थी रही है पर इनशाला जल्दी तमाम सोचू भी इनशाला जरूर अपडेट थी जरूर चेंज थो थोड़ा सा तरफ वापस चाहें कि थोड़ा सो कलर्स की कुछ बात हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कर रहे थे कि कलर्स का एक बड़ा
कॉन्सेप्ट होता था पहले कि जी अगर बहुत गर्मियां हैं तो आपने लाइट कलर ही पहनना है. अब जो है हमें डार्क कलर भी गर्मियों में बड़े इन नज़र आते हैं, ब्लैक भी गर्मियों में पहना जाता है. ऑल्दो कि कहते हैं कि ब्लैक गर्मी कैच करता है, लेकिन हमारे आप जितने भी वार्डरोब्स में देख लें या जितने भी मेकअप में देख लें, आपको ब्लैक उसमें बहुत इन नज़र आएगा गर्मियों में भी. ये क्या कलर की गेम चेंज हुई है और क्या अब हर कलर हर सीज़न में है, क्या क्या चल रहा है कलर्स में? आप दोनों से सवाल है. कलर्स का असल में ये है कि पहले तो लोगों को ये होता था कि अपने सेंस से जो हमें सूट कर रहा है, जो हमें गर्मी जिसमें ना लगे वो करते थे. अब फिर वही बात आ गई सोशल मीडिया. अब इस पर जो है टिकटॉकर्स आ गए हैं, यूट्यूब पर लोग देखते हैं तो उसको देख के जो है ना बस उसको फॉलो करते हैं कि इन्होंने ये चीज़ पहनी है तो हमें भी वही चीज़ लेनी है. जो सामने देखते हैं ना बस उस चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं. तो अब इस चीज़ में आप उसमें देखें विंटर के सीज़न में, उसमें भी अब हर कलर पहनते हैं, चाहे वो डार्क हो चाहे लाइट हो. वरना विंटर के अलग वो रखे जाते थे कि उसमें डार्क डार्क उसको हम लोग वो करते थे और समर में अलग वो होते थे. लेकिन अब इन दोनों में जो है ना कोई भी वो नहीं है, सब हर विंटर्स में भी आप ब्राइड्स को देख लें इतने लाइट 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 होते हैं बस. और आप समर्स में देख लें तो इतने डार्क डार्क होते हैं कि हमें देख के खुद को गर्मी लगती है, इस तरह के होते हैं. और ब्लैक देखें, ब्लैक तो बहुत कॉमन हुआ है, बहुत कॉमन. ब्लैक इतना ट्रेंडिंग पर है, बहुत ब्रांड को उठा लें. मैं अपने ब्रांड की बात करूँ तो उसमें भी ब्लैक ही है नई कलेक्शन में. लेकिन ये कि जहाँ भी आप देख लें वहाँ पे ब्लैक कलर, तो और स्पेसिफिकली ब्लैक और रेड जो गर्मियों के लिए मुझे लगता है मुमानियत थी उसकी, अब वो इतना ट्रेंड कर रहे हैं गर्मियों में. ये क्या आपका क्या नजरिया है इस मामले में? आपने कभी कलर्स को सीजन के साथ फॉलो किया? पहले किया था लेकिन अब वही फैशन, जो फैशन है जो फैशन बिल्कुल. और मुझे लगता है अब तो हर चीज ही फैशन हो गई है, हर चीज. आप अगर अलग अलग चप्पल भी पहन लेना तो वो फैशन में है. अभी मैंने आज ही देखा था एक इंडियन टिकटॉकर है, एक्टर है वो, उनके उन्होंने एक शूज अलग कलर का पहना हुआ और एक शूज एक येलो तो एक शॉकिंग पिंक. उसको ट्रेंड बना लिया. अब हमारे पास फिर आधा दुपट्टा आधा नहीं था, हेयर कलर पे देख लें. पहले जो होते थे तो हम लोग अपना कॉम्प्लेक्शन देख के करते थे कि नहीं हम पे सूट करेगा नहीं करेगा. लेकिन अब देखें भले उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है कुछ है, वो बस करवाने से मतलब है. हाँ. ये भी बस ट्रेंड में है बिल्कुल. इस पर भी अब किसी का फोकस इतना नहीं होता, बस जो चीज नजर आ रही है ना ट्रेंड में जो होती है बस. हाँ, वो बोलते हैं हमें वही करना है, फिर वो चाहे पर्पल ही क्यों ना हो, ग्रीन ही क्यों ना हो. और अब तो चल भी ऐसे ही कलर है, इतने डार्क डार्क मर्जेंटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. बस अब लोग इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. सही. अच्छा ये जो कलर की आप बात कर रही है, अभी आजकल मैंने ये भी देखा है ग्रे भी बड़ा है हेयर कलर में. जी 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 ग्रे भी लोग करा रहे हैं. और जिन लोगों के वैसे ही काफी लोग होते हैं कि बचपन से बाल ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके लिए तो बड़ी एक अच्छी चीज है. अच्छी चीज है लेकिन अब ये ट्रेंड में है बहुत ज्यादा. और ज्यादातर पार्लर में आके जो है ना स्पेशली बोलते ही इसका है कि हमें यही कलर करवाना है और ये बहुत ज्यादा इन हुआ है, चाहे वो हमारी एज की हो चाहे हमसे बड़ी उम्र की हो तो तकरीबन वो ग्रे हेयर से मांगते हैं. ग्रे हेयर्स मांगते हैं. देखिए अभी ये वो चीज है जिससे लोग बड़ा भागते थे कि यार कोई कोई सफेद बाल ना आ जाए. तो देखिए सफेद बाल करवाते हैं लोग. सफेद बाल तो कराते हैं बस बिल्कुल वाइट करवाने शुरू. क्या ट्रेंड कौन से? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आज से अगर 10 साल आगे जाके हम ट्रेंड देखें तो क्या ट्रेंड होगा, क्या ट्रेंड होगा. मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभार. अक्सर बेसिकली ऐसा भी होता है कि काफी अभी देखें आईब्रोज पे वो कट चल रहे थे. जी देखिए वो लड़कियां बस उनको बस एक क्रेज था कि नहीं बस. हाँ. हमें वो करवाना है करवाना है. देखिए बस उस पे वरना आईब्रो इसमें पार्लर में जो आती हैं एक एक्स्ट्रा वाल भी निकाल दें उस पर तो इतना ज्यादा इशू बन जाता है. बिल्कुल. लेकिन अब तो ये भी ट्रेंड में निकला हुआ है कि बस वो आईब्रोज को बनवाना है इस तरीके से ये करना. हाँ, है. हाँ, ये भी तो देखे ना दो दो तीन तीन कट्स जिनके बहुत हैवी आईब्रोज होते हैं उन्होंने दो दो तीन तीन कट्स लगाए होते हैं उस पे आईब्रोज पे. क्या फैशन आ गया है. कभी अच्छा कभी ऐसा लगता है आजकल मैंने प्रीवियस कुछ दिनों में बहुत जो फैशनेबल जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं उनको बड़ा मैं क्योंकि इंस्टाग्राम सब लोग हम लोग यूज करते हैं तो बड़ा हम लोग भी फॉलो करते हैं देखने के लिए कि क्या फैशन अपडेट है. फिर जो जो समझ आता है वही उनसे फॉलो करते हैं. वो वाला नहीं कि एक चप्पल दूसरी पहन ली. तो वहाँ मैंने देखा कि एक मेकअप सिखाया गया जिसमें आईब्रोज को छुपाया गया. आईब्रोज बिल्कुल विदाउट आईब्रोज वो मेकअप था. ये क्या ट्रेंड है और लगता है कि आगे जाके ये ट्रेंड भी आने वाला है
सामिया क्या लगता है जिस तरीके से चल रहा है तो मुझे लगता है ये भी करेंगे लोग ये भी करेंगे कि बिना आइब्रोस के आ जाएंगे बिना आइब्रोस क्योंकि वो देख रहे हैं जब हम बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम तो छोटे हैं हमें कौन इतना वो करेगा तो हाँ तू कह रहा हो कि हम बस उन जैसे लगे बस उन जैसे लगने चाहिए उन जैसे लगने चाहिए। अच्छा जल्दी से ब्रेक की तरफ जाते हैं फिर ये जो उन जैसे लगने वाला जो सिस्टम है ना जरा इसको मेकअप और मेहंदी पे भी लाएंगे जरा कपड़ों पे भी लाएंगे और जरा देखेंगे कि हमारे जो क्लाइंट्स जो लोग आपके पास आते हैं जो आपसे आके सर्विसेज लेते हैं जरा ये उन जैसा या उसके जैसा कराने वाला जो ये सिस्टम है ये किस तरह डील किया जाता है इस पर जरा बात करूंगी मैं। पर जी टाइम थी ब्रेक जनाजीन तहां से मुलाकात की था नल्ली का वर्षन ब्रेक का पूरे जी वेलकम बैक आई जी ऑर्डर थे हुआ है बिना टाइम जाए करे जल्दी से यासर जे गाने तरफ वणणो आए छो तो फरमाइश ऑडियो अची रही हुआ मानू बुधन था चाहन यासर जल्दी से कुछ भी शामिल था कयो बेहतरीन सॉन्ग आए पेशी के थोड़ा समझी लो था जी बरसात जी कड़कड़ पैनी बरसात जी एंड जी सनी म्यूजिक जो कुछ मसलो थी वो है जल्दी सा वापस नसी गाने ही तरफ बरसात जी कड़कड़ पैनी ॾाढी हीर थदिया बरसात जी कड़कड़ पैनी ॾाढी हीर थदिया दिल कर आहे नज़ारो केॾी प्यारे घड़िया थोरा तो ऐं जी हाश में अॼु छा थी रहियो आहे हाश में ज़िंदगी अॼु किथे बि हाश छा पियो थिए ज़िंदगी किथे बि घुमर में कटी छॾी आहे मूंखे लॻे थो पर एक्चुअली कॾहिं कॾहिं अहिड़ा मसला थींदा आहिनि सुबुह जो जीअं हाशिम भाई तव्हां जेॾी महिल परफॉर्म कयो पियो त मसलो पियो थियो त आवाज़ न पई वई कॾहिं कॾहिं इहे टेक्निकल फॉल्ट्स न अहिड़ा थींदा आहिनि जो माण्हू पाण परेशान थी वेंदो आहे। ख़ैर जी थोरी देरि खां पोइ गाने जी तरफ़ ईंदासीं तेसिताईं असां पंहिंजे कचहरी जो सिलसिलो स्टार्ट था कयूं जेसिताईं असांजी जेका वायरिंग आहे उनजो मसलो हल थी वञे थोरो सो कचहरी जी तरफ़ था अचूं जल्दी से मां उस तरफ़ आऊंगी। इहे जो अभी कुझु देरि पहले हिते था असां छो त प्रॉपर हिकु गानो ॿुधण वारा आहियूं पर हिते गुनगुनाइण जी आवाज़ मूंखे ॾाढी पई आई थोरो सो मां चवण चाहियां थी पंहिंजे महिमाननि खे क्या गुनगुना रही थी ज़रा हमारे व्यूअर्स के सामने भी ज़रा बताइए ये टैलेंट यहाँ क्यों छुप रहा चाहिए नहीं बताओ क्यों छुपे हाँ। वो अभी हाँ। आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना हम सिंध में रहने वाले हाँ। सिंधी ऐसे नहीं जैसे आप पहले याद कर रही थी उस गाने को वैसे ही याद करें दोनों याद कर रही थी ना दोनों गा रही थी चले दोनों मिलकर गाएंगी मुझे तो इतना इनको नहीं आता इतना चले थोड़ी किसकी आवाज आ रही थी मुझे आवाज आ रही थी मेरे कानों तक जी जी हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे दिल से तुमको दावत है कभी आओ पास हमारे दिल से तुमको दावत है कभी आओ पास हमारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे अपनी गाड़ी रियो निकालू साथ में जाना है तुझे बिठा ले अपनी गाड़ी रियो निकालू साथ में जाना तुझको बिठा लू मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे मच्छी पल्ला खिलाने नहीं लेके जा रही है स्टूडियो पे सीधा स्टूडियो पे काम की बात करें हमसे मच्छी पल्ला की बात नहीं करें जिंदगी बहुत फास्ट जा रही है तो सीधा काम की बात करें नहीं मच्छी पल्ला में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बस हम सीधा काम की बात करेंगे और सीधा आपको स्टूडियो बुलाएंगे क्या ख्याल है फिर बिल्कुल ये मुझे लगता है लाइव हाश में हमें डीलिंग करना स्टार्ट करनी चाहिए लाइव जो है ना ये जो सिंगर और कंपोजर का मैच है ये बनाना चाहिए आज भी नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार काम स्टार्ट करें मैच मेकिंग वैसे तो शादियों की होती है हम शादियों की नहीं करेंगे हम ये वाली करेंगे सिंगर और कंपोजर की मैचिंग करेंगे यहाँ कितना शौक है कितना गाया जाता है यहाँ जरा आवाज़ तो सुनाए बस बहुत कम मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है मैं बहुत कम गाती
चले कभी गाने कोई बात नहीं, एक लाइन गा दे, कोई गाना भी याद नहीं, यही वाला सुना दो ना। हम सिंध में रहने वाले, मुझे नहीं आता गाना, जो आते वो गा ले, चले जो आते वो गा ले, कोई नेशनल सॉन्ग सुना दो। हाँ ये भी ठीक है, कौमी तराना तो सबको आता है, नेशनल सॉन्ग भी अच्छे होता है ना। वैसे पाक से जमीन गाने में बहुत मुश्किल होती है, बड़ी जहर से भरी टेंशन होती है, तो गाना नहीं कुछ और गाओ, तराने पे नहीं जाओ कुछ और आओ, बड़ी मुश्किल होती है, फिर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। इतना सोचते जिंदगी में गाने नहीं है तुम्हारे? मैं सुनती नहीं हूँ यार, कौन लोग है ये मेहंदी लगाते हुए, क्या करती हो फिर? मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। अच्छा वो पूरी कोशिश में था कि तरीके से गाए बैठे ना, पूरा वो पार्ट प्ले कर रही है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बोला है कुछ, कोई कोई भी सॉन्ग है आपके ज़हन में, सुनाओ। आतिफ असलम के सुना दो, पाकिस्तानी। हाँ इतने सारे हैं, वो सुना दो भी, नया जो है रफ्ता रफ्ता सा, दिल दिल पाकिस्तान सुना दो बहन। हाँ दिल दिल, इतना तो किसी ने, इतना तो किसी ने नहीं सोचा था। मैं साथ इनके, ठीक है। ए सी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, वाह वाह वाह, पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। एडी खूबसूरत आवाज से बुद्धि चढ़िया माचे थी ना, कि कंटिन्यू कयूं छो न हाशिम भाई, मुझे लगे तो पोया इशारा मिलन पे, तो वायरिंग सिस्टम सही थी वो छो न गानो शामिल कयूं, यासे इंतजार जो घड़ियों खत्म था कयूं पने नाजरीन जे लाई खूबसूरत ही गानो पेशे खिदमत आए तहां जे। बरसात जी कड़कड़ पई थी, बरसात जी कड़कड़ पई थी, स्टार्ट ही रथा दिया, स्टार्ट ही रथा दिया, अरे मुझे लगे तो ये मसला आज खत्म न थी ना, ये क्या हो रहा है जिंदगी में हमारे, क्या हो रहा है भाई, क्या मसला है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है हाशिम भाई, लाइव गए हो, ये कोई सिस्टम के लगे तो मसलो थियो, मैंने कुछ नहीं पोया न पोया वायरिंग जो के लगे तो मसलो आए, बिकॉज़ आपकी कोई वायर हिल गई है। हां एनी गा जो नहीं कराए लेकिन आई मीन इनका मतलब आज भी आपके सिस्टम की वायर। अच्छा जी खैर चलो एकड़ो कम तक यूं ब्रेक खा पो से थोड़ो सो चंगी तरीके से तहकीक करण खा पो वापस इंदा सी यासे आई पो पंजे व्यूअर्स के खूबसूरत गानो बुधाइना सी आई थोड़ो सो चताई थियो तो लेट वधिक सुठी हुदिया, लेट बेहतर आ, लेट बेहतर आ, सबर सबर करायो मानन के ताई सबर जो फल मानन के मिठो मिली सके, हां तो ही सबर ता कयो ब्रेक ते ब्रेक खा पो वापस अची आई पो सा यो गानो शामिल कदा सी, छा सा ब्रेक जी तरफ वनी रिया हूं या सा न वनी रिया हूं, पेरी मा यो पुछन जाती ना ब्रेक ते भी न वन, यासिर के माण चंदा यासिर गाए न गाए सही रिसर्च ना तैयार हो पर यासिर बैठो जे ब्रेक ते न वजो। अच्छा जल्दी सा मापनी छो तो मा पने तमाम उनन खवतीन व्यूअर्स के प्रॉमिस कयो हो तो उनन जे तमाम फायदेमंद शयन के असा शामिल करना सी ते थोड़ो सो मा इन तरफ अचन चाहया थी। जल्दी से आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि इस सीजन में स्किन केयर की रूटीन क्या होनी चाहिए जो हर आम बंदा अफोर्ड भी कर सके, हर आम बंदा कर भी सके, जो जो नहीं जा सकता बड़े बड़े यू नो एस्थेटिक क्लिनिक्स में नहीं जा सकता, सलॉन्स बड़े बड़े में नहीं जा सकता, तो वो अपनी घर की चीज़ों से अपनी स्किन को कैसे बेहतर बना सकता है इस सीज़न में? इस सीज़न में एक तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क होता है, मुल्तानी मिट्टी और ये वाटर जो होता है रोज़ वाटर होता है इसको करके वो लगाएं, वो सबसे बेस्ट है और वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो हर स्किन के लिए बेस्ट है, हर कोई किसी की किसी टाइप की स्किन वो सबके लिए बेस्ट है वो होता है। फिर ये सेकंड आ जाता है इसका जी, सेकंड आ जाता है इसका बेसन, बेसन का जो मास्क चलता है आजकल वो भी बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, बेसन का मास्क वो कैसे बनाएंगे? बेसन हनी, बेसन हनी और लेमन जूस होता है रोज वाटर इसको मिक्स करके इसको हम अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे, जब ड्राई होने लगे ना तो बस इसको हम थोड़े ठंडे पानी के साथ ना इसको वॉश करेंगे तो वो भी बहुत बेस्ट है, एक तो कॉम्प्लेक्शन भी उससे बहुत अच्छा, इसके बाद साबुन यूज़ नहीं करें फौरन,
अच्छा ठीक है, सॉप फॉरन यूज ना करें। अच्छा वैसे काफी लोग ऐसे होते हैं जो साबुन प्रेफर करते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो फेस वॉश प्रेफर करते हैं, आपको क्या लगता है क्या सही रहता है इस सीजन में? इसमें तो फेस वॉश ही ज्यादातर, फेस वॉश ज्यादा सही होता है। अच्छा जैसे ये लोग, जैसे आप सारे मास्क बता रही हैं, मुल्तानी मिट्टी का आपने बताया, फिर आपने बेसन का बताया, ये जो मास्क है इसके आजकल हमें सोप भी मिल रहे होते हैं, हमें फेस वॉश भी मिल रहे होते हैं, वो कितने इफेक्टिव होते हैं साबिया? वो भी यही काम करते हैं जो, लेकिन घर की जो चीजें होती हैं वो ज्यादा बेस्ट होती हैं, वो रिलायबल होती है, हमें पता होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बाहर से हम ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ स्किन ऐसी होती हैं जिन पर वो सूट करती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो, अभी जैसे आपके भाई के साथ ही हुआ है, इनके भाई के साथ हुआ है, इनके भाई की स्किन बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, उन्होंने कोई फेस वॉश वगैरह कुछ यूज कर लिया तो उनके पिंपल्स हो गए, और वो ऐसे हो गए पिंपल्स कि वो डॉक्टर के पास जा जाके उसके ट्रीटमेंट कितनी जगह से करवाया, लेकिन वो सही नहीं हो रहा है। सही नहीं हो रहा है, वो फेस वॉश की वजह से हुआ। जी जी जी, मतलब कोई फेस वॉश ऐसे भी आ जाते हैं, हमें नहीं पता होता हमारी स्किन पे कौन सा सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा, बेस्ट ये है कि आप डॉक्टर से लिखवा लो स्किन के, सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर फेस वॉश वगैरह यूज करना है तो बेस्ट यही है कि आप स्किन के डॉक्टर से अच्छा सा लिखवा लो, या सॉप भी अगर आप यूज करते हैं तो स्किन के डॉक्टर से आप लिखवाएं अपना पर्सनली, ताकि वो पता चल जाएगा हमारे स्किन पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा। सही। अच्छा मुझे ये बताएं सामिया क्या करती है अपनी स्किन को सही रखने के लिए, सामिया की स्किन केयर रूटीन क्या है? मैं सबसे ज्यादा एलोवेरा जेल लगाती हूँ। एलोवेरा जेल, ओहो बस, ये तो मुझे लगता है तो कुदरती एक करामत है जो हमें मिल गई है एलोवेरा। अच्छा एलोवेरा भी कहते हैं जो प्लांट से निकला हुआ एलोवेरा होता है, वैसे तो जेल हमें वैसे मार्केट में मिल जाती है तो ज्यादातर लोग उस पर ही कर रहे हैं, लेकिन जो प्लांट से निकला हुआ एलोवेरा होता है वो काफी लोग कहते हैं कि एकदम से डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, किसी ना किसी चीज के साथ करके ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो एलोवेरा किस तरह अप्लाई किया जाता है सामिया, कैसे अप्लाई करती हैं आप? मैं तो डायरेक्टली ज्यादा यूज करती हूँ, लेकिन उसको ठंडा करके। अच्छा उस वो प्लांट वाले एलोवेरा को, उसी एलोवेरा हाँ, असली वाले ही ज्यादातर यूज करती हूँ, स्किन के लिए भी, हेयर के लिए भी। हेयर के लिए भी एलोवेरा यूज होते हैं? जी बहुत ज्यादा जबरदस्त, हेयर में क्या शाइन शाइन लाता है? हर तरह की उसके लिए यूज होता है, जैसे डैंड्रफ है तो कोकोनट ऑयल में एलोवेरा जेल डालकर आप उसका मसाज करें, वो यूज करें, उससे डैंड्रफ आपकी खत्म हो जाएगी। जबरदस्त भाई, ये तो बड़े शाइनिंग के लिए भी, जैसे शावर लेने के बाद आप एलोवेरा जेल लगा ले बालों में, तो जो नॉर्मली हमें मिलता है ना बाजार से, हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, वो जेल अगर हम यूज करेंगे उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। अच्छा वो भी ओरिजिनली होता है? ओरिजिनली होता है वो भी, ओरिजिनली वो भी ओरिजिनली होता है। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तो और मुझे लगता है वो इतना हाई एक्सपेंसिव भी नहीं होता। नहीं नहीं, और अगर आप प्लांट भी अगर घर में अगर किसी को असली भी चाहिए तो प्लांट भी मुझे लगता है वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो भी मिल जाता है इजीली, है ना? तो ये वो सस्ती सस्ती चीजें जो हम घर में रख के अपनी स्किन को, अपने हेयर को अच्छा कर सकते हैं, और एलोवेरा तो कहते हैं कि एलोवेरा और लेमन स्किन के लिए तो इतना अच्छा है, बहुत बेस्ट। फिर आप जब एलोवेरा बालों पे, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि बालों के लिए बहुत बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। और मुझे जो एलोवेरा को मतलब समझ के मुझे लगता है वो बालों में मुझे शाइन आ रही होती है, जो हमें मार्केट के केमिकल वाले कंडीशनर से मास्क से जो बालों में शाइन आती है, मुझे लगता है एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, उससे भी अच्छा होता है। जी ठीक है। अच्छा आप कुछ बताइए तो कि बाल वॉश करने के बाद किस तरह अप्लाई किया जाता है? बाल वॉश कर लें आप, जब ड्राई नहीं होने दें, बस आप वॉश करके फौरन आप यूज कर लें। अच्छा हाँ, बस वो कंडीशनर की तरह या वो सीरम की तरह? नहीं सीरम की तरह, सीरम की तरह, सीरम की तरह। तो वो फिर वो तो एलोवेरा की स्मेल से भी लोग बड़ा भागते हैं। नहीं उसकी स्मेल तो इतनी होती ही नहीं है, पता जो मार्केट वाले की होती है उसकी नहीं, नहीं उसकी नहीं होती है। जी जी है ना, तो वो कितनी क्वांटिटी हो, जैसे हम नॉर्मली मार्केट के सीरम लगाते हैं, नॉर्मल जितना आपके मतलब हेयर को सूट करे, बिल्कुल नॉर्मल मामूली सा अपने हिसाब से ले लें, कोई इसमें वो नहीं है कि आप ज्यादा लगा लेंगे तो कोई रिएक्ट करेगा या कम लगा लेंगे तो कोई मसला होगा। ये तो मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो मुझे ही बड़ी पसंद है, लेकिन बस वही है कि सुस्ती बड़ी होती है कि यूज नहीं करते हम, लेकिन हमेशा मेरे घर में एलोवेरा जरूर होता है, तो ये तो मैं, ये जो आपकी टिप है मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि बालों से हमेशा मेरी मोहब्बत रही है, बालों के साथ एक्सपेरिमेंट भी मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, तो डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है। इस टिप को जाके मैंने तो घर में यूज करना है। वापस चुका जी यास साहब की तरफ आई, म्योको गानों से प्लान क्या हुआ है पहले नाजरीन जिला वो सब उदाहरण वाला ही हूँ, छो तो सिस्टम गड़बड़ करी रहा हुआ है, तो सब ये सिस्टम के थ्रू अच्छी नहीं यासिर असली सिस्टम दे पाता हूँ, असली सिस्टम दे चला ना था ओल्ड इज गोल्ड वार फॉर्मूलो मेरी ये चढ़ गया भैया, बस वही गाना था, ऐसा दे रहा है दुरुस्त है तमाम सुठो गीत आए मुझे टिकटॉक ते सुपर हिट थियो हो, तुझी सब सा खिलखिला तुझी यारी का बहुत होती
फट पहिरियां छुटा न आहिनि, दुख पहिरियां न थियणा आहिनि, ॿी वारीअ खां भउ थो थिए। तमामु बहितरीन सॉन्ग आहे, पेशे ख़िदमत आहे दोइड़ेस। मंजूर बुरणो दिलदार मंगी तुझी सब सा सब
जबरदस्त अच्छा ये तो एडो जबरदस्त परफॉर्म माशाल्लाह सा यासिर सा हरुभरु नए फॉर्मूले ते हलिया सी पुराणो वचन सही चवे जो सियाड़न चाहिए ना ओल्ड इज गोल्ड वो बिल्कुल सही तरीके से चाहिए बिल्कुल सही समझाया है ढो जबरदस्त गानों से शामिल किया टिकटॉक की वायरल की गाल थी हुई तो हि जो टिकटॉक जो वायरल थे इतने भी थोड़े से जरा ताल्लुक है टिकटॉक के साथ ये ताल्लुक कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या कैसे वीडियोस लोगों को देखने को मिलते हैं किस तरह के वीडियोस होते हैं या वहाँ पे भी एक ब्यूटिशन ही सामने आती है नहीं नहीं उसमें बस हर तरह की वीडियोस होती हैं हर तरह की वीडियोस होती है ये ट्रेंड कैसा लगता है आपको यही सबसे अच्छा ट्रेंड है ये सबसे अच्छा ट्रेंड बस फारिग जो लोग रहते हैं ना मतलब कोई चीज समझ ना आ रही हो हाँ। बस इसमें जो टाइम ही नहीं पता चलता बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही है यहाँ कभी शौक पाला है कभी कभी हो जाते हैं जिंदगी में वैसे मुझे ऐसा लगता है ऐसी जो एप्लीकेशन आ गई है उन्होंने लोगों को सिखाया बड़ा है बहुत कुछ सीखने को मिला इतना टैलेंट हमें टिकटॉक से मिला है ये बाकी सच बात है हाँ बुराई की तरफ हम बड़ा जल्दी चले जाते हैं तो बुरी चीजों को भी हमने पकड़ लिया है लेकिन इसमें जो अच्छाई जितनी हमें मिली है वो उसकी भी हमें बात करनी चाहिए अच्छा जी मेरी तरफ मौनन चाहिए पर मी का डिस्कशन कुंडमे का डिस्कशन हली रही है मौनन डिस्कशन के बाद डिस्टर्ब नहीं कर जाया डिस्कशन होते हली रही है इन्हीं तरफ मरण चाहिए थी आखिर में जी बड़े कुछ मिनट का साथ है हमारे नाजरीन के साथ तो जरा सा आखिर में मैं थोड़े से अपने व्यूवर्स के फ़ायदे के लिए थोड़ी सी दो चार चीज़ें मैं शामिल करना चाहती हूँ सबसे पहले कि इस वक्त क्या मेकअप ट्रेंडिंग में है इस सीज़न के हिसाब से अगर वो पार्टी के लिए जा रहे हैं किसी में या किसी शादी के इवेंट में जा रहे हैं या फिर किसी डिनर पे जा रहे हैं तो किस तरह के ट्रेंड में क्या ट्रेंड में चल रहा है आजकल मेकअप के हवाले से यही है कि वैसे तो लाइट मेकअप ही वो करते हैं लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसी आ जाती हैं कि अगर हम उनको अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं कुछ तो हम पर बोल देती हैं कि भाई आप अपने हिसाब से देख के हमें कर दें लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि उनको समझ नहीं आता है वो बोलती हैं नहीं इसको भी और डार्क करें और इस तरह से करें लेकिन जो अभी जो ज़्यादातर इन हुआ है ना तो वो लाइट ही चल रहा है सॉफ्ट मेकअप चल रहा है और वो चाहे वो इवेंट कोई भी हो चाहे कोई भी हो पार्टी पे जा रहे हैं जी या किसी शादी पे जा रहे उसमें सब लाइट मेकअप सबको लाइट सॉफ्ट मेकअप चाहिए लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको अपनी अपनी चॉइस होती है लेकिन उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल जो आजकल चल रहा है वो करें जो आप सूट करेगा वो नहीं कुछ तो ऐसी होती हैं वो ऐसे करती हैं हमारे शोर को डार्क मेकअप पसंद है हमारे ससुराल कुछ तो ऐसी होती है लेकिन कह रहे हैं आप बिल्कुल वो मेकअप बिल्कुल कर पूरा मेकअप सब कुछ होने के बाद ना उसके बाद बिल्कुल क्लियर करवा देंगे नहीं जी हमें ओहो जी ऐसे केस भी आते हैं और अच्छा, कुछ कुछ के साथ मुझे लगता है ये भी मसला होता है कि हमारे पास जो वो कॉन्सेप्ट है ना कि क्वालिटी ज़्यादा उसी की अच्छी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा दिखे बस, बस। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का माइंडसेट ये भी होता है कि अगर हम ज़्यादा मेकअप करा लेंगे तो हमारा पैसा वसूल हो जाएगा कुछ यही होता है हालांकि उन लोगों को ये नहीं समझ आता कि लाइट मेकअप में ज्यादा मजा होता है डार्क मेकअप तो ड्रेस जितना हैवी पहन लो लेकिन मेकअप जितना अच्छा लाइट होगा ना उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे तो ज्यादातर लाइट ही मेकअप अच्छा लगता है मैं हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं सॉफ्ट आजकल ब्राइड्स भी बड़ा सॉफ्ट मेकअप कर रही हैं बहुत सॉफ्ट और उसी में खूबसूरत लग रही होती हैं बिल्कुल आजकल देखें आप ट्रेंड में हिजाब ब्राइड्स ज्यादातर जो आ रही है ना वो हिजाब में और फिर लाइट मेकअप सॉफ्ट मेकअप मांगती है कोई भी ऐसी नहीं होती बहुत कम ऐसी होती है चले ब्राइड पे तो फिर भी वो नहीं लगता ब्राइड पे लेकिन ये जो पार्टी मेकअप वगैरह होता है उस पर तो काफी लेडीज भाई इतना क्लाइंट्स इतना ज्यादा वो कर देती हैं कि नहीं जी हमें ऐसे ही चाहिए हमें ऐसा ही करना है जी। तो बस इंसान के मूड पे डिपेंड करता है अच्छा मेहंदी में भी ऐसा ही होता है क्या हमें ब्राइड की जैसी ही मेहंदी चाहिए चाहे वो उसकी बहन हो चाहे वो उसकी कजन हो चाहे दूर की रिश्तेदार हो हमें मेहंदी यहाँ तक चाहिए कुछ तो ऐसी होती है उनकी मतलब मदर जो होती है ब्राइड्स की वो भी बोलती है बस हमें इन्हीं के जैसा बना दो सेम वैसे ही बिल्कुल मेहंदी भी वैसे ही चाहिए तो हैवी ज्वेलरी हैवी मेकअप सब कुछ वैसे ही चाहिए होता है ये भी बड़ा एक बड़ा एक मुश्किल आर्ट है कि आपको लोगों के साथ डील करना आना चाहिए बड़े कम लोगों में ये आर्ट होता है हम हुनर तो सीख लेते हैं लेकिन ये चीज़ें सीखना हम भूल जाते हैं तो ये भी बड़ा एक मुश्किल आर्ट है जो हर बंदे में नहीं होता थैंक यू सो मच जी आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने का बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके और बड़ी अच्छी अच्छी बातें मेरे व्यूवर्स तक पहुँची हैं आप लोगों के थ्रू थैंक यू सो मच यासिर साहब कहाँ बड़ी मेहरबानी ऐसी प्रोग्राम में अच्छी करें
तमाम बहन छाक बोल गले ता जना छादा थी थैंक यू सो मच असा के डाडी खुशी थी जो ता प्रोग्राम में आयो आई इतरा खूबसूरत गाना ता बुधाया आई हियर बस एक गानो जरूर बुधण वारा हूं ता इतरो सस्ते में सा जान को चाहिए असा पूरा अकेले असा ता वा बैठा हूं बाबा जेत्रो असा के गराइंदो सा गाइंदा बस छा के जेत्रो टाइम इजाजत दे असा पार टाइम जा पाबंद नहीं थैंक यू सो मच एक दफा भी है असा अगर शामिल रहन जो नाजिन इंशाल्लाह मुलाकात ता सा मंडे ते इंशाल्लाह कंदा सी बिन दिन दी छुट्टी है ता ही मां भाई छुट्टी एंजॉय कंदा सी या पोया रहल जे के कमकार हन हाज भाई ओए पूरा कंदा सी बिन दिन में आई मंडे ते शिकायत कंदा सी यार थकल जो हो असा खैर जी जी बथे पर मुलाकात इंशाल्लाह सूमर ते जिंदगी रही ते जरूर ता सा थींदी तेस ताई असा सबनी के दुआओं में याद रखो आई पंजो ख्याल रखो अल्लाह हाफिज जी यासिर मोहब्बत में दुख दियण चंगो ना।